नमस्कार, मैं पलक कुलश्रेष्ठ दी ऑटरिंग से आज का समाचार प्रस्तुत करती हूँ। केंद्र ने भारतीय विश्वविद्यालयों के विदेशी परिसरों को अनुमति देने के लिए विभिन्न तिमाहियों की मांग पर एक रोड मैप तैयार करने के लिए 7 आईआईटी के निदेशक और 4 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की एक 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह विकास आईआईटी दिल्ली से सऊदी अरब और इजिप्ट में केंद्र खोलने के प्रस्ताव से आता है। आईआईटी काउंसिल की स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली समिति को 17 मार्च तक अपतटीय परिसरों के लिए मौजूदा प्रावधानों की जांच के बाद उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा विदेशों में परिसरों के उद्घाटन के लिए एक संरचना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। समिति के सदस्यों में 7 आईआईटी मुंबई, कानपुर, दिल्ली, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी, धनबाद के निदेशक और दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय के कुलपति और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के निदेशक शामिल हैं। इसके अधिदेश में प्रस्तावित विदेशी परिसरों का प्रशासनिक, वित्तीय और कानूनन ढांचा तैयार करना शामिल है। आईआईटी दिल्ली सहित प्रस्तावों को समिति के समक्ष रखा जाएगा। आईआईटी दिल्ली के प्रस्तावित विदेशी परिसरों में 4 साल के स्नातक पाठ्यक्रम, 60 स्कोर के आधार पर 4 शाखाओं में 240 छात्रों तक का वार्षिक प्रवेश और 100 एकड़ में फैले परिसर हैं, जो अच्छे हवाई संपर्क वाले प्रमुख शहरों के करीब होंगे। आईआईटी का प्रस्ताव विदेशों में विस्तार करने का यह दूसरा प्रयास है। मॉरिशस अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौते के तहत मॉरिशस में एक शोध अकादमी स्थापित करने का उसका पिछला प्रयास 2014 में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा उठाए गए आपत्तियों के बाद विवाद में चला गया था। राधाकृष्णन समिति के संदर्भ की शर्तों में से एक विदेशी देश के कानून के अनुसार अपने अपतटीय परिसरों को देनदारियों से मूल संस्थान को बचाने के लिए आवश्यकता परिचालन सुरक्षा भी है। शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि समिति अब तक एक बार बैठक कर चुकी है, जिसमें इस बात पर चर्चा की हुई है कि आईआईटी को सामूहिक रूप से विदेश में एक परिसर शुरू करना चाहिए या प्रत्येक आईआईटी को अलग अलग विदेशों में प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। प्रस्ताव में अति आधुनिक प्रयोगशालाओं और कक्षाओं, शयनगृह, फूड कोर्ट, खेल सुविधाओं, घर के शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए 150 अपार्टमेंट का निर्माण शामिल है, जो 100 एकड़ के परिसर में एक प्रमुख शहर के करीब होगा, जिसमें दिल्ली से अच्छे हवाई संपर्क भी शामिल होंगे। धन्यवाद। अन्य समाचारों के लिए बने रहिए दी ऑटरिंग पर।